बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कल शाम को मैं टीवी देख रहा था, एग्जिट पोल आ रहे थे, देखे आप लोगों ने? क्या देखा? हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भाजपा की डबल इंजन सरकारें जा रही हैं। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आके ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार बना दो। इनसे पूछना जब आए कि भई हरियाणा वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा? पता है आप लोगों को, आपकी रिश्तेदारियां होंगी गांव में, मैं गया था अभी, पूरे हरियाणा में घूम रहा था मैं, चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, भाजपा वालों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो डबल इंजन की सरकार तुम्हारी हरियाणा में बनाई थी, ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने कि हरियाणा वाले अब तुमको दुत्कार के भगा रहे हैं अपने अपने गांव से? उत्तर प्रदेश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। कुछ तो गड़बड़ करी होगी तुमने कि आधी सीट रह गई तुम्हारी लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से। क्या गड़बड़ करी तुम्हारी डबल इंजन ने? मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है 7 साल से, जल रहा है मणिपुर, पिछले 2 साल से जल रहा है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि मणिपुर बना दे हर राज्य को? तो अगर ये आए आपके पास और कहें डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो बोलना बिल्कुल नहीं बनानी डबल इंजन की सरकार, थक गया ये देश डबल इंजन की सरकार से। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। मोदी जी के एक दोस्त हैं, नाम पता है सब लोगों को, एक ही कहते हैं मोदी जी कहीं भी विदेश जाते हैं उनके पीछे पीछे वो जाता है और उनके लिए ठेके इकट्ठे करके लाते हैं। देश में जितने काम है सारे उनको दे रहे हैं, केंद्र सरकार में जितने ठेके हैं सारे उसको मिलते हैं। कौन है? तो डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि केंद्र के तो सारे ठेके दे दिए, अब राज्यों के ठेके भी देने हैं उनको, इसलिए इनको डबल इंजन की, डबल लूट की सरकार चाहिए इन लोगों को। अभी आएंगे आपके घर में, आएंगे चुनाव में और कहेंगे जो जो केजरीवाल ने किया वो सारा काम हम करेंगे। अभी कह रहे हैं, ये जा रहे हैं जगह जगह, जो जो केजरीवाल ने किया सारा काम हम करेंगे। तो उनको कहना फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, केजरीवाल है ही हमारे सारे काम करने के लिए, फिर इनकी क्या जरूरत है? चलो इनको एक मौका देते हैं, इनसे ये पूछना, केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो, एक राज्य बता दो।
गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो? इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे, इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार, 2 साल पहले, एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक काम बता दें, ये एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे, अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे, एक साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस एक साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी एक साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है, आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में, बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर, अखबारों में तो 2-4 खबरें छपती हैं। गांव देहात दिल्ली का है, जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे, 4 अक्टूबर को खड्डा कॉलोनी दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 59 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तम नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई, एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। 28 सितंबर को ही महिपालपुर में एक होटल के अंदर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को ही नांगलोई में 2 लोगों ने 3 या 4 राउंड एक दुकान के, ये कई सारे हैं, ये कोई अंत नहीं है, मैं खूब सारे लेके आया हूं। ये जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहा है, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तो वो है जो अखबारों में छप रही हैं, ये तो वो है जिसमें एफआईआर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस एफआईआर ही नहीं करती, कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर, आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है, क्या कर रही है बीजेपी, क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी, क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो, वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं, लेकिन वो दिल्ली सरकार के काम, वो बस मार्शल रोकने की कोशिश करते हैं बसों के अंदर। इनको क्या पता बसों में कैसे यात्रा होती है,
राजनीति में आने के पहले मैं 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में रहा था, बसों में रोज आया जाया करता था, बसों में 10 साल तक दिल्ली की बसों में मैंने भी खाद छानी है, मुझे पता है कि दिल्ली की बसों में क्या व्यवस्था होती है। एक महिला जब दिल्ली की बस में चढ़ती है, अगर उसे बैठने को सीट ना मिले तो मैं जानता हूं उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इधर से कोई छेड़ता है, उधर से कोई छेड़ता है, इधर से कोई उसको तंग करता है, किस तरह से दिल्ली की बसों के अंदर जेब कतरे काम करते हैं, किस तरह से अपराध होते हैं। जब हमारी सरकार बनी हमने दिल्ली में बस मार्शल नियुक्त किए। बस मार्शल जब से नियुक्त किए मेरे को चारों तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर किसी बस के अंदर कोई मनचला कोई गलत आदमी किसी महिला को छेड़ता था वो जोर से शोर मचाती थी, बस मार्शल उसको तुरंत आके दबोच लेते थे और उसको पुलिस थाने ले जाते थे। कितने ऐसे मौके हैं मेरे को पता है हमारे बस मार्शलों ने कितने अपराध रोके हैं, कितने जेब कतरे पकड़े हैं। एक बार तो एक छोटा सा बच्चा 4 साल का बच्चा उसको किडनैप करके ले जा रहे थे कुछ लोग, वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था, बस मार्शल को शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक स्टॉप पे उतरा एक आदमी उस बच्चे को लेके, वो बस मार्शल उसके पीछे पीछे उतर गया और उसको रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया, तब पता चला वो बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। हमारे बस मार्शल ने उस किडनैपर को पकड़ के और उसको बच्चे को अपने मां बाप को लौटाया। अरे तुमसे तो नहीं संभल रही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार। अगर हमने दिल्ली की बसों में सुरक्षित व्यवस्था ठीक की थी तुम्हें यह पूरी दिल्ली के अंदर करनी चाहिए थी, तुमने बसों के अंदर भी बंद कर दी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन्होंने बस मार्शल 1 साल हो गया दिल्ली के अंदर बंद किए हुए, 3-4 बार तो मैं दिल्ली के एलजी के पास होके आया, मैंने दिल्ली के एलजी के पैर पकड़े, मैंने कहा ये बस मार्शल बंद मत करो। एक तरफ इन्होंने दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया, यात्रियों को असुरक्षित कर दिया, दूसरी तरफ ये बस मार्शल कौन है, ये गरीब बच्चे हैं बेचारे, 15,000 रुपए मिलते हैं इनको महीने के। अरे 15,000 रुपए में आजकल कौन नौकरी करता है, गरीब आदमी तो नौकरी करता है, कोई इनका बीजेपी के नेताओं का बच्चा तो नौकरी नहीं करता बस मार्शल की, गरीब आदमी तो नौकरी करता है। बहन जी गलत तो नहीं कह रहा, गरीब आदमी तो नौकरी करता है। इन 10,000 बस मार्शल की नौकरी छीन ली इन लोगों ने और कितनी नौटंकी कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कभी कहते हैं कैबिनेट नोट पास नहीं किया, कभी कहते हैं फलाना नोट पास नहीं किया, ये नहीं किया, कल हमारी सारी कैबिनेट बैठ गई इनके साथ, आतिशी जी सौरभ भारद्वाज ये हमारे सारे मंत्री बैठ गए, बोले बताओ कहां साइन करने हैं, बोले कैबिनेट नोट पास करो, इन्होंने कैबिनेट नोट बना दिया। कल ये सारे दिल्ली के सामने सारे देश के सामने ये नंगे हो गए ये लोग, इसका मतलब इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, ये गरीबों के खिलाफ हैं ये लोग, ये गरीब विरोधी हैं। मेरे को पता चला जब मैं जेल में था इन्होंने 500 डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए अस्पतालों से, गरीब डेटा। जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो खिड़की पे जाते हो जो आपकी पर्ची बनाता है वो तो गरीब आदमी होता है जो पर्ची बनाता है, पर्ची बनाने वाले 500 आदमी निकाल दिए इन लोगों ने बीजेपी की, बीजेपी वालों ने 1,000 आपके सीवर की सफाई करने वाली लेबर निकाल दी इन लोगों ने। जब मैं जेल में था सीवर की सफाई करने वाले 1,000 कर्मचारी निकाल दिए इन्होंने, इन्होंने अलग अलग विभागों से फेलोज निकाल दिए इन लोगों ने, इन्होंने 5,000 होमगार्ड की तनख्वाह रोक रखी है 5 महीने से, इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन रोक रखी है 5 महीने से, इन्होंने विडो पेंशन रोक रखी है, विधवा पेंशन रोक रखी है 6 महीने से, इन्होंने डीटीसी के जो पेंशन धारी है उनकी 8 महीने से पेंशन रोक रखी है। अरे शर्म कर लो यार, अरे भगवान से डरो तुम लोग, भगवान है इस दुनिया में है कि नहीं है, कौन कौन मानता है भगवान है। अरे बहुत बुरा करेगा तुम लोगों का, इनकी हाय लगेगी, ये गरीब हैं सारे, ये कोई अमीर लोग नहीं है, इनकी तनख्वाह रोक ली इनकी नौकरियां छीन ली, हाय लगेगी तुमको, तुमको लगता है ऐसे तुम दिल्ली जीतोगे। अरे कुछ अच्छे काम करो यार, तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है, केंद्र सरकार में तुम्हारी सरकार है, इतना पैसा है, कुछ अच्छे काम करते।
लेकिन अब चिंता मत करना, तुम्हारा केजरीवाल आ गया, सबकी तनख्वाह दिला दूंगा। सारे काम करा दूंगा, सबकी तनख्वाह दिला दूंगा, सबकी नौकरी वापस करवाऊंगा। जितने बस मार्शल हैं, सारे बस मार्शल को कहना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई आ गया, लड़ेंगे। कल मैंने देखा कैसे सौरभ भारद्वाज, कैसे सौरभ भारद्वाज विजेंद्र गुप्ता के पैरों के अंदर पड़ा था। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। कोई मंत्री बन जाए, उसका ऐसा अहंकार हो जाता है, ऐसा अहंकार हो जाता है। मैं अभी इनके एक मंत्री का बयान बताऊंगा, हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए इनके पैरों में भी गिर जाते हैं। कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं गिरा था। सौरभ भारद्वाज कौन है? ये कोई एक शख्स नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों द्वारा चुना हुआ मंत्री है, आपका मंत्री है। कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं था, इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में गिर के कराह रहा था। बड़ी शर्म आई, जिस पार्टी को 62 सीटें दी लोगों ने और जिस पार्टी को 8 सीटें दी, वो 62 सीटों वाली सरकार बीजेपी के पैरों में गिर के उनसे भीख मार रही है, मांग रही है हमारे बस मार्शल्स को बचा लो। मैं जब जेल गया, इन्होंने आपकी सड़कें खराब कर दी, सड़कों की रिपेयर बंद करा दी, जगह जगह सीवर की मेंटेनेंस बंद करा दी इन्होंने। हम दवाइयां फ्री देते हैं अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई, फ्री टेस्ट का इंतजाम किया है। 8 साल से सही चल रहा था, सबको फ्री दवाइयां मिल रही थी सबको, 9 साल से फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट। मैं जेल गया, इन्होंने आपकी दवाइयां बंद करा दी, इन्होंने आपके टेस्ट बंद करा दिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अरे इस पृथ्वी के ऊपर भगवान ने भेजा है कुछ पुण्य कमाने के लिए यार, सत्ता के लिए इतना अहंकार मत करो, सत्ता के अहंकार में इतने मत चूर हो जाओ कि इतने बुरे पाप करने लगो। अगर दवाइयों की वजह से किसी की मौत हो जाएगी, अस्पतालों के अंदर दवाइयों की वजह से अगर लोग बीमार रहेंगे, तो इससे तो अपना ही नुकसान होगा, दिल्ली के लोगों का ही नुकसान होगा, जनता का ही नुकसान होगा। पर ये सारी ओल्ड एज पेंशन, ये सारे मैं दोबारा ठीक कराऊंगा। मैंने बात की आतिशी जी से, सड़कों की रिपेयर चालू हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा पूरे दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री, सारे विधायक सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं, सबकी रिपेयर चालू करा दी, सारी सड़कों की रिपेयर शुरू हो गई है, सीवर की सफाई भी अब जल्दी शुरू कराएंगे, दवाइयां और टेस्ट जो इन्होंने बंद कराए हैं वो भी दोबारा चालू कराएंगे। ओल्ड एज पेंशन मुझे पता चला है कि चालू हो गई है। आज दिल्ली में जनतंत्र नहीं है, पहले हमारे देश में ब्रिटिश राज था, आज हमारे देश में एलजी राज है। जब मैं जेल में था, मैंने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खान, इनकी जिंदगी, इनके बारे में खूब पढ़ा, अपने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में खूब पढ़ा। मैं सोच रहा था भगत सिंह ने इसीलिए फांसी खाई थी क्या, कि बाहर अंग्रेज जाएंगे और एक एलजी आके दिल्ली के ऊपर राज करने लगा, एलजी का राज हो जाएगा। अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में बस मार्शल होने चाहिए, तो क्या एलजी को बस मार्शल हटाने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी के पास दवाइयां बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री टेस्ट मिलने चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, तो क्या एलजी को इलाज बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी को फ्री बिजली मिल बंद करने का अधिकार होना चाहिए? कौन होता है एलजी दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने वाला? हमें दिल्ली के अंदर जनतंत्र लेके आना है, जो पूरे देश के अंदर दूसरे लोगों का अधिकार है। पूरे देश में आप पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, वो लोग वोट डालते हैं, जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार की पूरी पावर होती है। आज दिल्ली के लोगों के पास अपनी पावरफुल सरकार चुनने का अधिकार नहीं है। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं, आज से 10-12 साल पहले सोच के देखो, इस देश में कोई जानता नहीं था केजरीवाल कौन है, कोई नहीं जानता था।
ये तो पता नहीं मैंने कुछ पुण्य करे थे कि आप लोगों ने इतना मेरे को मान सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, झुग्गी बस्तियों से उठा के आप लोगों ने अपने दिल में बसा लिया मेरे को। मैंने पता नहीं क्या पुण्य किए थे मैंने। आज मैं आपके सामने कसम खा के जा रहा हूं, अपनी जिंदगी के अंदर आपको मैं पूरे आपके अधिकार दिला के रहूंगा, दिल्ली को पूर्ण राज्य बना के रहेंगे, दिल्ली को एलजी से मुक्ति दिला के रहेंगे। दिलानी है कि नहीं दिलानी? दिल्ली को एलजी के राज से मुक्ति दिला के रहेंगे, जनता का राज शासन करके रहेंगे, जनता का शासन कायम करके रहेंगे। दोस्तों मैं आपके परिवार, कोई नहीं, मैं आपसे मिलूंगा, मिलके जाऊंगा, आप बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, आपसे मिलके जाऊंगा, चिंता ना करो। कोई मिलना चाह रहा है मैं सबसे मिलता हूं भाई साहब, मैं किसी से मना नहीं करता। दोस्तों मैंने अपने 2 करोड़ लोगों को परिवार माना है, आप सब मेरा परिवार हो। अब अगर आपके घर में महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, मोदी जी ने महंगाई कर दी, तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? मेरे को कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी, बताओ क्या कसूर करा? मैंने आपका पानी फ्री कर दिया, बताओ क्या कसूर करा? दिल्ली की सारी महिलाएं मेरे को अपना भाई मानती हैं। मैंने अपनी बहनों के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया, बताओ क्या गलत करा? दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मानता हूं, उनके लिए मैंने अच्छे स्कूलों का इंतजाम कर दिया, बताओ क्या गलत करा? मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी दे रहा है, मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है केजरीवाल, मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मुफ्त की रेवड़ी है तो हां केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। अगर दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज देना मुफ्त की रेवड़ी है, हां केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। अगर दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना, बिजली की फ्री करना मुफ्त की रेवड़ी है, हां केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। आज मैं मुफ्त की रेवड़ियां लेके आया हूं, ये एक पैकेट है, इसमें 6 रेवड़ी हैं। आप जब यहां से जाओगे तो बाहर गेट पे आपको एक एक पैकेट मिलेगा, 6-6 रेवड़ी का। केजरीवाल ने 6 मुफ्त की रेवड़ी दी है दिल्ली के हर नागरिक को। ये 6 मुफ्त की रेवड़ी है, कौन कौन सी है? पहली रेवड़ी मुफ्त बिजली, दूसरी रेवड़ी मुफ्त पानी, तीसरी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, चौथी रेवड़ी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 5वीं रेवड़ी सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, 6ठी रेवड़ी सबके लिए मुफ्त अच्छा इलाज। ये 6 रेवड़ी दे रहा हूं, 7वीं रेवड़ी आने वाली है, हर महिला को 1000-1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, ये 6 रेवड़ी हैं और 7वीं रेवड़ी आने वाली है, आपको ये पैकेट मिलेगा। ये रेवड़ी जो है इसमें चीनी से बनती है रेवड़ी, ये चीनी तो जनता की है, इसमें जो तिल है वो तिल भी जनता का है, इसमें जो घी लगा वो घी भी जनता का है, इसमें जो इलायची डली इलायची भी जनता की है। मैं तो हलवाई हूं, मैंने ये सारा मिला के जनता की रेवड़ी बना के आपको दे दी। ये रेवड़ी मेरी थोड़ी है, तिल भी आपका, इसमें चीनी भी आपकी, इसमें तेल भी आपका, घी भी आपका, इसमें इलायची भी आपकी, ये रेवड़ी जनता का, ये तो भगवान का प्रसाद है। आज आप ये लेके जाओगे, जब ये पैकेट आपको यहां पे मिलेंगे, जब घर ले, मिल गए सबको ये पैकेट, आप घर में ले जाके, आपके घर में पूजा घर होगा, वो है कि नहीं है? इसको जेब में डाल लेना, अभी खाना नहीं, घर में जाके पूजा घर में रख के
पूजा करके इसकी भगवान के सामने, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, इस प्रसाद को पूजा घर में रख के इसका प्रसाद चढ़ा के फिर सबको बांट देना घर के अंदर, एक एक सबको बांट देना। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, जनता से तिल इकट्ठा करके, घी इकट्ठा करके, चीनी इकट्ठी करके, गुड़ इकट्ठा करके मैंने रेवड़ी बना के जनता में बांट दी, प्रसाद बांट दिया। मोदी जी आपने तो सारी की सारी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी, आपने तो पूरी की पूरी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी, ये गलत है। मेरा कसूर यह है, दिल्ली की एक भी रेवड़ी मैंने मोदी जी के दोस्त को नहीं लेने दी, एक भी रेवड़ी, सारी रेवड़ी मैंने आप लोगों को बांट दी। इन्होंने दोस्तों पूरी प्लानिंग कर रखी है, ये बात जाके सबको बताना, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगर गलती से आपने दिल्ली में बीजेपी को वोट दे दिया तो ये डीटीसी अपने दोस्त को दे देंगे, बिजली कंपनियां अपने दोस्त को दे देंगे, दिल्ली जल बोर्ड अपने दोस्त को दे देंगे, दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे, और दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे। फिर आप देख लेना आपका बसों का किराया कितना होगा, फिर आप देख लेना आपकी बिजली कितनी में, सबसे पहले ये फ्री बिजली बंद करेंगे। आज मैं जब गुजरात में जाता हूं, गुजरात के लोग पूछते हैं बीजेपी वालों से, जब केजरीवाल ने पंजाब में और दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तुमने क्यों नहीं करी, तो ये गुजरात में बिजली फ्री नहीं करते, अब ये दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री बंद करना चाहते हैं ताकि गुजरात के लोग आवाज ना उठाएं, ताकि यूपी के लोग आवाज ना उठाएं। तो अगर आपने गलती से इनको वोट दे दिया, आपकी फ्री बिजली, ये छह की छह रेवड़ी आपकी खत्म हो जाएंगी, आपका सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों कहते हैं केजरीवाल चोर है, मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली देने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है कि बच्चों की शिक्षा महंगी करने वाला चोर है, फ्री इलाज देने वाला चोर है कि सरकारी अस्पताल बंद करने वाला चोर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी फ्री देने वाला चोर है कि पानी महंगा करने वाला चोर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता में रेवड़ी बांटने वाला चोर है कि सारे देश को उठा के अपने दोस्त को बेचने वाला चोर है। मैंने चोरी नहीं की, इसलिए आज छाती चौड़ी करके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, वरना वोट मत देना। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत है यह कहने की, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। आज इतनी यहां पे, आज मैं जनता की अदालत में आया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है हाथ खड़े कर दो, जिन जिन लोगों को लगता है मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा षड्यंत्र रचा था हाथ खड़े कर दो। मैंने केवल जनता के लिए काम किया है, मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया। आप देखोगे सारी पार्टियों के अंदर जब टिकट देने की बात आती है, एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट, तो इनको अपने बच्चे याद आते हैं, आते हैं कि नहीं आते, इसका बेटा, इसका भाई, इसका बाप, इसकी पत्नी, इसका फलाना, इसका। मैंने अपने किसी रिश्तेदार को आज तक टिकट नहीं दी, मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दी, मैंने आपके बच्चों को टिकट दिया, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मैंने हमेशा आपके बच्चों का ख्याल रखा है। अभी जब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, इन्होंने बीजेपी वालों ने खूब उछाला, केजरीवाल अपनी बीवी को बनाएगा मुख्यमंत्री, अपनी बीवी को बनाएगा। मेरी बीवी मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब नहीं है, हमने अपनी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का। जब मैं जेल के अंदर था दोस्तों, इन्होंने तरह तरह से मुझे यातनाएं देने की कोशिश की, इन्होंने मेरा इंसुलिन रोक दिया, मेरी दवाइयां रोक दी। पिछले 10 साल से मेरे को रोज 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं पेट में, 4 बार रोज सुबह,
तीन बार खाने के पहले और एक बार सोते टाइम, चार बार इंजेक्शन रोज लगते हैं इंसुलिन के। इन्होंने 15 दिन तक मेरा इंसुलिन बंद कर दिया। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी को भी शुगर की बीमारी है, अमित शाह जी को भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी मेरे को यह बता दो, अगर 15 दिन आपके इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दे तो आपका क्या हाल होगा? अमित शाह जी मेरे को बता दे, उनको भी डायबिटीज है, उनको भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अमित शाह जी आपने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए तिहाड़ जेल के अंदर 15 दिन, आपके अगर 15 दिन इंजेक्शन बंद कर दिए जाएं आपका क्या हाल होगा? मेरी किडनी खराब हो सकती थी, किडनी खराब होकर मेरी मौत हो सकती थी। अमित शाह जी क्या यही आपका मकसद था? क्या आप यही चाहते थे? अमित शाह जी 2010 में 4 महीने के लिए अमित शाह जी को जेल हुई थी, गुजरात की जेल में रहे थे वो 4 महीने के अंदर, 4 महीने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके भी इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए गए थे जब आप जेल में थे? तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपकी क्या मंशा थी? ये देश जानना चाहता है। जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते? ये देश जानना चाहता है आपने केजरीवाल का इंसुलिन बंद क्यों किया जेल के अंदर। मैं आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक ही चीज कहना चाहता हूं। मैंने कई बार बोला है, हम राजनीति में आए हैं, राजनीति में आने के बाद जब आप सत्ता में होते हो आपके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार मत करना कभी भी। इन दूसरी पार्टियों से सीखो, जब जब इन्होंने अहंकार किया इनका क्या हाल हुआ, इनका क्या हाल हुआ, इनके नेताओं का क्या हाल हुआ। और कभी आज ये जिस तरह से बीजेपी वाले गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, इनके इनसे गुंडागर्दी मत सीखना। मैं इनके एक बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े नेता हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने अभी एक दो दिन पहले ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है, तुम हरामी के पिल्लों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है कि ठीक से पूरा न्यूज भी नहीं पढ़ते। हरामजादे, उसी न्यूज में लिखा है कि तुम्हारे बाप के जमाने से चली आ रही पुरानी। ये इनके सीनियर नेता की भाषा है। ये इनके सीनियर नेता ने ट्वीट किया है, तुम हरामी के पिल्लों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है हरामजादे। क्या हम ऐसा भारतवर्ष चाहते हैं? मैं आम आदमी पार्टी से हूं, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई समाजवादी पार्टी से है, कोई इस पार्टी से, कोई है तो इसी देश के। यार ये गाली गलौज क्यों कर रहे हो? ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये भारत की सभ्यता नहीं है। मैं आज आम आदमी पार्टी वालों से कहना चाहता हूं, कभी गाली गलौज मत करना। हम हार जाएंगे, हमें हारना पसंद है, हमें हारना मंजूर है, हमें नहीं चाहिए सत्ता, लेकिन कभी इस किस्म की गुंडागर्दी और गाली गलौज किसी के साथ मत करना। दूसरी बात, कभी बेईमानी से चुनाव मत लड़ना। कभी हमने इस देश के अंदर पहली बार यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। आज ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने बेईमानी का पैसा इकट्ठा करके गोवा का चुनाव लड़ा। आज मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी बेईमानी का पैसा गोवा के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हमने बेईमानी के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा होता, भाई साहब आज मैं खड़ा नहीं होता, मैं जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ रहा होता। आज मैं चौड़ी छाती करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। और आज मैं यहां से फिर से मांग करना चाहता हूं, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो नवंबर के महीने में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली का भी चुनाव करके दिखाए, और नहीं तो मान ले कि हार गए वो, डर गई बीजेपी, हार गए वो, और नहीं तो अभी चुनाव करो, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तुम चुनाव करके दिखाओ नवंबर के महीने में।